आपको बताऊं कि इस समय ग्रीन खिलाड़ी रेड पर आपके अपने जिले का खिलाड़ी है, नाम है चेतन गांव रानीला जिला सर के दादरी भाई। दर्शक साथियों, हरियाणा प्रदेश का वर्तमान का बड़े बेहतरीन रेडरों में इस खिलाड़ी का नाम आता है। आज अमित हुड्डा अकेडमी के नाम से इस टूर्नामेंट में टीम खेल रही है। और लीजिए भाई, चेतन और चेतक एक्सप्रेस अपना काम कर चुकी है, पहला पॉइंट अर्जित कर लिया है। बहुत अच्छा मैच आपके बीच में होगा। तो भाई इस तरह से रेडर ने खाता खोल लिया था और वही जिम्मेदारी अब ग्रीन आर्मी रेड के पास है। इनके कंधों पर भी वही जिम्मेदारी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ यहाँ पर हरियाणा में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में खिताब जीत रहे। और भाई अब रेड पर दर्शक साथियों मोहित उर्फ बंगाली गाँव लाडोट जिला रोहतक हरियाणा प्रदेश के रोहतक शहर के नजदीक लगता गाँव लाडोट मकरोली के नजदीक लगता गाँव है। और हरियाणा प्रदेश के लिए खेलो इंडिया टूर्नामेंट के खिलाड़ी खेल चुका है, बहुत ही अच्छा रेडर है। और जिस खिलाड़ी ने कैच लगाई थी आप सब जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अमित हुड्डा किसी परिचय के मोहताज नहीं, ग्रीन आर्मी को कैच लगाने का काम किया था। जी हाँ, फिलहाल कमल रेड और कमल को इस बार कमाल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी तक खाता नहीं खुला है और ग्रीन आर्मी के ऊपर बहुत सारी संभावनाएं हैं सभी दर्शकों को भी। और ग्रीन आर्मी पर बंदावेदार टीम मानी जाती है, लेकिन सुपर एट में जाने के बाद जब आठ टीमों के बीच संघर्ष चलेगा वहां पर सारी टीमों की अगली परीक्षा होगी। दो नंबर जर्सी में पांच का डिफेंस है, बोनस तो इन्होंने खुली छोड़ दी, बोनस का अंत मिलने वाला नहीं है पांच की मौजूदगी में। और उसके साथ फिर आठ नंबर जर्सी में अभी 2-0 ये स्कोर, अमित हुड्डा अकेडमी 2 पॉइंट बना रखी है। और इसी के साथ यहां पर लंबा इंतजार करना पड़ा खाता खोलने के लिए, लेकिन खाता खोल लिया। बहुत ही कांटे की टक्कर है। और भैया अब रेड पर डिसाइड रेड चेतन इस समय रेड पर और लीजिए मैं ताली मारना दर्शक साथियों, बिल्कुल एक कुर्बा गाड़ी कर चुका है, सुपर रेड भाई सुपर रेड लगा दिया भाई दर्शक साथियों। बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, मैंने पहले ही बता दिया हरियाणा प्रदेश के लिए बेहतरीन रेडरों में चेतन का नाम आता है। सामने से कोई भी टीम हो लेकिन चेतन जरूर अपना कार्य करता है, बहुत अच्छा रेडर आपके अपने जिले का है। और सोनू भाई इनकी चैन तो बहुत मजबूत थी, लेकिन चैन के नीचे से डुबकी लगाकर निकल गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पर बराबर करने की चुनौती थी, स्कोर को बराबर हो भी जाता लेकिन रेडर को रिकवरी करने का मौका दिया गया तो वहां से घाटा हुआ जब 3 पॉइंट इकट्ठे ही चले गए। और अब ये कर्जा उतारने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ग्रीन आर्मी को, ऑल आउट होने से बचना होगा। सुपर टैकल ऑन है, अगर ऑल आउट होने जैसी स्थिति आ गई तो दलदल में फंस जाएगी आर्मी की टीम। भाई अगले मैच के लिए जो भी टीमें हैं फिर एक बार सुन ले, इनके अकेडमी वर्सेस बनवासा ग्राउंड नंबर 1 पर, ग्राउंड नंबर 2 पर दीपक दुधवा वर्सेस छोचकवास, फिर ग्राउंड नंबर 1 पर वाइब्रेट स्कूल ए वर्सेस नांदल, ग्राउंड नंबर 2 पर राजीव गांधी बी वर्सेस वाइब्रेट स्कूल बी, उसके बाद ग्राउंड नंबर 1 पर मोनी हथवाड़ा बी वर्सेस रेड आर्मी, ग्राउंड नंबर 2 पर अर्जुन स्टेडियम वर्सेस महम कबड्डी क्लब बी। ये सभी टीमें तैयार रहे, मैदान के नजदीक रहे, फर्स्ट राउंड के जितने भी मैच हैं। योगा डिफेंस है बहुत बेहतरीन, लेकिन बेहतरीन प्रयास यहां पर लाजवाब, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा, तो यहां पर बेहतरीन कारकर्दगी को अंजाम दिया। और 3-6 का इस समय स्कोर चल रहा है मैच में, बिल्कुल सुपर टैकल लगा दिया है ग्रीन आर्मी की टीम ने, चेतन को सुपर टैकल लगाने का काम किया, 2 पॉइंट अर्जित किए। बड़ी अच्छी टीम है दोनों ही, अच्छा मैच आपके बीच में और भी बड़ी अच्छी अच्छी टीमें, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपके बीच में आए हैं। हरियाणा प्रदेश की सभी अच्छी टीमें अच्छे खिलाड़ी आपके बीच में आए हैं। बोनस स्टूडेंट बोनस का अंक ले जाने में सफल है और धीरे धीरे इन्होंने शुरू कर दिया अपने कार्यक्रम को। और अब स्कोर वह 4-6, यानी आर्मी 2 पॉइंटों के घाटे से है अभी, उन्हें 2 पॉइंट चाहिए स्कोर को बराबरी पर पहुंचाने के लिए। और भैया रेड पर आशीष
और लीजिए भाई दर्शक साथियों, बिल्कुल चुप रहना भाई, पांच पॉइंट ग्रेड लगा दिया भाई साफ प्लीज। कारण ये रहा कि साफ नहीं करने के बाद लकीर पिटी गई, सात पॉइंटों के नुकसान से है बिहार भी। वही चमत्कार करना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले हथवाला की टीम ने किया, वरना 98% मैच तक दिल्ली की टीम ने अपनी पकड़ बना रखी थी। इससे पहले मैच की बात की जाए तो हथवाला टीम से यहां पर मार्गदर्शन लेना पड़ेगा ग्रीन आर्मी की टीम को। पहले हाफ में पिछड़ रही थी, दूसरे हाफ में भी 75% तक पिछड़ती रही, लेकिन बाद में आकर जो उन्होंने झटके दिए बवाना की टीम को, वो उनके लिए हार का कारण बने। देखते भाई ये पहले राउंड की बात है अभी, और पॉइंट ले जाने में सक्सेसफुल हुए 12-4। अमित हुड्डा अकेडमी के खाते में एक पॉइंट और जुड़ गया, और इसी के साथ एक पॉइंट और अमित हुड्डा अकेडमी के। इस तरह से तो अगर ये कर्जा बढ़ता चला गया तो ग्रीन आर्मी के ऊपर जो लोगों ने दाव लगा रखा है और इसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो यही सही अब मौका है और गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है कि रिकवरी करें और जल्दी जल्दी अंकों को लाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, यहां पर एक पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल ला करके अगर ये अपना ये डोलता हुआ सिंहासन अगर कंट्रोल में कर लेते हैं तो ये भी बहुत बहादुरी की बात है, क्योंकि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। चौदह पांच, धीरे धीरे टीम अमित हुड्डा अकेडमी अपनी पकड़ ही नहीं बना रही, बल्कि शिकंजा इतना मजबूत कर रही है कि ग्रीन आर्मी को वहां तक पहुंचने के लिए सोचने को मजबूर कर रही है। क्या इस बार गलती करने को मजबूर किया अमित हुड्डा अकेडमी के डिफेंडर को, और यहां से बेनिफिट मिला ग्रीन आर्मी। भाई फिर राइड पर चेतन और बिल्कुल कैच लगा दी है, पॉइंट मिला ग्रीन आर्मी की टीम को। ग्रीन आर्मी धीरे धीरे वापसी की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, और इससे अगले जो मैच है सभी टीमें ध्यान दें, एनके अकेडमी वर्सेस बनवासा, ग्राउंड नंबर एक का मैच होगा। ग्राउंड नंबर दो पर दीपक दुबगा वर्सेस चोचकवास, ये चारों टीमें तैयार रहे, किसी भी टीम को टाइम नहीं दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा मैच, और भाई बिल्कुल कैच लगा दी है भाई दर्शक साथियों अमित हुड्डा ने, थैंक यू अमित हुड्डा अकेडमी की टीम को। बहुत ही अच्छी टीमें हैं, दोनों ही बड़ी अच्छी टीमें हैं, हार जीत अलग चीज है, लेकिन आपको बिल्कुल मैच में आनंद आएगा। भाई दर्शकों का जवाब नहीं है, दर्शकों ने इतनी सारी उपस्थिति दर्ज कराई है, आपको पाकर अब खोना नहीं चाहता, मैं इतना खुश हूं कि अब रोना नहीं चाहता, ये आलम है बाप की जुदाई में कि आंखों में नींद है मगर सोना नहीं चाहता। मार दे, 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 मार द
डिसाइडेड डू और नॉट रेड आशीष इस समय डिसाइडेड करता हुआ है अमित हुड्डा अकेडमी की तरफ से, बहुत ही अच्छा रेडर है और सामने सात खिलाड़ियों का एक मजबूत डिफेंस भारतीय थलसेना का जो बिल्कुल अपनी पहचान रखता है डिफेंस में, वो टीम इस समय आशीष को घेरने के लिए बिल्कुल तैयार। आशीष भी प्रयास करता हुआ कि वहां से एक अंक लेकर अपनी टीम को एक अंक का इजाफा किया जाए। डिसाइड रेड 30 सेकंड का समय और भाई समय अपनी गति चलता है दर्शक साथियों। पॉइंट लेने में आशीष कामयाब रहा, पॉइंट मिला अमित हुड्डा अकेडमी की टीम को और कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी आशीष की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले गया। आर्मी की टीम से जिस तरह की उम्मीद है वो अपना 100% नहीं दे पा रही, तो एक और उसका उदाहरण मिल गया, उसका एक और सबूत मिल गया। और पत्रिका यह कर रही थी कि जलने नहीं देंगे हम वो तस्वीर बचा लेंगे और कारगिल के शहीदों की जागीर बचा लेंगे, पाक के गदारों चाहे कितना सितम ढालो हम जान देकर भी कश्मीर बचा लेंगे। कमेंट्री की सलाह रही है, कमेंट करके बताओ। सत्रह आठ का स्कोर इस मैच में अमित हुड्डा अकेडमी के पक्ष में। अमित हुड्डा अकेडमी की टीम भाई बिल्कुल बहुत ही मजबूत टीम है, ग्रीन आर्मी भी अच्छी टीम है, लेकिन आज अमित हुड्डा की टीम एक मजबूत स्थिति में है। बोनस का टेम्प और बिल्कुल बोनस वाला ग्रीन आर्मी की टीम को हाफ टच होंगे, आप यकीन करना कि बहुत ही अच्छे ही देखे होंगे यहाँ ऐसे मैच। बिल्कुल दादरी का जिले का सबसे ऐतिहासिक टूर्नामेंट है ये। भाई टीमों के पीछे पानी की व्यवस्था करते, गर्मी का टाइम है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट अर्जित कर लिया ग्रीन आर्मी की टीम ने। साहिल को आउट किया, साहिल भी प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुका है। फिर रेड पर सात नंबर जर्सी का खिलाड़ी चेतन इस समय रेड करता हुआ, जिस मैच में चेतन परफॉर्मेंस देता है, लगातार स्कोर करता है अपनी टीम के लिए। बोनस का अटैम्प, लेकिन बोनस पर जो अंतिम फैसला हमारे ऑफिशियल विक्रम कौल साहब नसीपुर और कुलदीप कौल साहब भैंसवाल, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, क्वार्टर से पहले कोई रिव्यू नहीं है। बोनस स्टूडेंट बोनस अंक मिला अमित हुड्डा अकेडमी को, बहुत ही अच्छा ये मैच, बड़े अच्छे ऑफिशियल, बड़े अच्छे कमेंटेटर साथी, बड़े अच्छे यूट्यूबर साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सबका योगदान है। बिल्कुल बोनस का बदला बोनस से ले लिया है भाई, ईट का जवाब पत्थर से देकर ग्रीन आर्मी की तरफ से बोनस का अंक लेके गया था विपक्षी टीम का रेडर, उसी तरह से आर्मी के रेडर ने बोनस का अंक लेकर वो तो बदला उतार दिया, लेकिन स्कोर को बराबरी पर ले जाना, यह बदला उतारना भी बाकी। लेकिन आर्मी की टीम के पास अब शिकंजा कसने के अलावा कोई रास्ता नहीं है यार, कोई किसी तरह की कनेक्टिविटी स्थापित ही नहीं हुई थी, कुछ कनेक्शन बना ही नहीं था, ये सिर्फ झूठी दावेदारी थी, इसमें उस उत्साह तो बहुत था लेकिन हकीकत नहीं थी। यहाँ पर रेड ग्रीन आर्मी की तरफ से, अगले दोनों मैचों की मैंने बता दिया कि एनके एकेडमी और बनवासा और दीपक दूधवास, ये क्रम से पहले और दूसरे कोर्ट के मैच है। अब स्कोर है 12-18, एडवांटेज इन फेवर ऑफ अमित हुड्डा अकेडमी। और भाई बिल्कुल आशीष बाजार ने कैच लगा दिया, आपके अपने गांव का खिलाड़ी भारतीय थलसेना में कार्यरत है, बिल्कुल प्रो कबड्डी में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है और एक पॉइंट इस समय ग्रीन आर्मी के खाते में जोड़ता हुआ। रन सेव टू पॉइंट, बिल्कुल भाई देखिए एनके अकेडमी वर्सेस बनवासा, ये दोनों टीमें तैयार होकर ग्राउंड नंबर एक पर आ जाए। ग्राउंड नंबर दो पर दीपक दुधवा वर्सेस चुचकवास, मैच वाइब्रेट स्कूल ए वर्सेस नांदल ग्राउंड नंबर एक पर, राजीव गांधी बी वर्सेस वाइब्रेट स्कूल बी ये ग्राउंड नंबर दो पर। फिर ग्राउंड नंबर एक पर मैच होगा मोनी हतवाला बी वर्सेज रेड आर्मी, ग्राउंड नंबर दो पर अर्जुन स्टेडियम वर्सेज महम कबड्डी क्लब बी ये मैच होने हैं। सभी टीमें तैयार रहे, बहुत ही अच्छे मैच आपके बीच में चल रहे हैं।
सुपर टैकल ऑन है और सुपर टैकल में आर्मी के रेडर के पास स्वर्णिम अवसर है। बहुत ही बढ़िया भाई, सुपर टैकल कर दिया इन्होंने पूरा और ये इम्तिहान पास कर लिया। वैसे तो इम्तिहान में ये फेल होते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन एंकल इतना मजबूत होल्ड कर रखा था इन्होंने कि सपोर्ट मिली बहुत कामयाबी के साथ। तो इस तरह से दो अंक मिले। बीस पंद्रह पांच पॉइंटों का नुकसान आर्मी। पहले वाले मैच की पुनरावृत्ति अगर कर ली तो आर्मी की टीम जीती आएगी क्योंकि पहले मैच में पवना टीम आगे चल रही थी काफी देर तक दूसरे हाफ में भी और लगता है एक रेड में टीम को ऑल आउट किया जा सकता है और फिर रेड पर डिसाइड रेड वही तुर्क बंगाली गांव लागत जिला रोहतक इस समय रेड पर। हरियाणा प्रदेश का एक अच्छा उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी नेशनल कबड्डी का लेकर भाई कैच लगा दी है आशीष बजाज गांव आतमपुर जिला चरखी दादरी ने। बिल्कुल ग्रेन आर्मी की वापसी करवाई आपके अपने गांव के इस खिलाड़ी ने इस प्रतिभा ने आशीष बजाज गांव आतमपुर। बिल्कुल सही है, यह आर्मी का संकेत है। अभी वापसी नहीं हुई, वापसी तब होगी जब स्कोर बराबरी पर हो जाएगा। तो अभी इन्हें तीन पॉइंट में माफ कीजिए चार पॉइंट चाहिए बराबरी के लिए भी। तो ये पांच पॉइंट अगर यहीं के यहीं आ जाते हैं तो फिर प्लस में आ जाएगी, माइनस घाटे को फायदे में बदला जा सकता है। तो फिलहाल स्वर्णिम अवसर और अगर पकड़ गए तो दो देने पड़ेंगे लेकिन कोई बात नहीं, एक में तो सेंध लगा दी इन्होंने। स्कोर बढ़कर 17-20 यानी तीन पॉइंटों का नुकसान आर्मी के पास। इसका मतलब यह हुआ कि आर्मी की टीम ने हतवाला टीम से सीखा है कुछ ना कुछ कि हार को जीत में कैसे बदला जाए। और भाई आशीष को 200 रुपए मांगेराम गांव आदमपुर गाड़ी उन्होंने आशीष बाजार को 200 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशीष के 200 रुपए हमारे पास जमा है, जैसे ही मैच समाप्त होगा आशीष को 200 रुपए दे दिए जाएंगे। मांगेराम गांव आदमपुर डाढ़ी उनकी तरफ से 200 रुपए आशीष बाजार को, आपके अपने गांव का खिलाड़ी है। और इसके साथ में बढ़िया चांस है, धीरे धीरे एक पॉइंट और मिल गया है और अब स्कोर हो गया 18-21 तीन पॉइंट चाहिए, टाइम आउट लिया गया है। मोदी गाँव खेड़गा गुजर जिला जज्जर मजबूत कदकाठी का खिलाड़ी इस समय रेड पर। ग्रीन आर्मी की टीम बिल्कुल वापसी के संकेत है, वापसी कर सकती है, इस रेड में भी वापसी हो सकती है लेकिन मोनी देसवाल इस समय रेड पर बोनस दे दिया है मोनी देसवाल को। और अगली सभी टीमें तैयार रहे, बार बार कॉल नहीं करनी पड़े, सभी टीमें ध्यान रखें। 30 सेकंड का समय और बिल्कुल हाथ खुल चुकी है, कैच लग चुकी है, 1+2=3 पॉइंट ग्रीन आर्मी, बोनस पॉइंट अमित हुड्डा अकेडमी। लो भाई स्कोर बराबरी पर पहुंच गया है। अच्छा एक ही लीड बची है अभी, माफ कीजिए एक ही लीड बची है भाई अभी। हाँ अभी अमित हुड्डा अकेडमी की एक पॉइंट की लीड बची है, ग्रीन आर्मी को कर्जा उतारना पड़ेगा अभी एक का। और बेहद रोमांचक स्थिति, पहले राउंड के मैच इतने खतरनाक हो तो दूसरे राउंड के मैच कितने खतरनाक होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, आंखों आंखों में झपकी झपकी में कर दिया था, बहुत मजबूत एंकल होल्ड था। और दो पॉइंटों से इस समय आगे चल रही अमित हुड्डा अकेडमी और 2 मिनट का समय शेष। तो 23-21 का स्कोर, बहुत अच्छा मैच आपके बीच में वे दर्शक साथियों, 23-21 का स्कोर, 5 मिनट से कम समय बचा हुआ है। अमित हुड्डा अकेडमी की टीम आगे है, अमित हुड्डा अकेडमी की तरफ से इस समय आशीष रेड पर, 2 नंबर जर्सी का खिलाड़ी आशीष इस समय रेड करता हुआ, दबंग दिल्ली के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है खिलाड़ी इस समय रेड पर। और सामने भारतीय थलसेना के 6 खिलाड़ियों का डिफेंस और पॉइंट मिला भाई अमित हुड्डा अकेडमी की टीम को, बड़ी मजबूत टीम है, अच्छी टीम है। अगले मैच की दोनों टीमें एनके अकेडमी डालमवाला और बनवासा तैयार है ग्राउंड पर।
ग्राउंड नंबर एक पर मैच होगा, ग्राउंड नंबर दो पर दीपक दुधवा वर्सेस सूचकवास, वो दोनों टीमें ग्राउंड नंबर दो पर तैयार रहे। ग्राउंड नंबर दो के ऑफिसियल से मेरा निवेदन है, जो भी टीम जीतती है आप एक बार ऑफिसियल बेंच पर बताए। आखिरी चार मिनट से 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी चेतन इस समय रेड पर, बड़े बड़े टूर्नामेंट अपने नाम कर चुका है ये खिलाड़ी और फिर नेशनल स्टाइल कबड्डी में बुलेट विजेता खिलाड़ी चेतन इस समय रेड पर। नागपुर में जो टूर्नामेंट आयोजित हुई थी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट थी, उसमें इस खिलाड़ी ने बेस्ट राइडर का अवार्ड एक बुलेट मोटरसाइकिल अपने नाम करने का काम किया था इस समय रेड पर और बिल्कुल टाइम काटने का प्रयास किया था। थर्ड रेड 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी कमल इस समय डिसाइड रेड करता हुआ ग्रीन आर्मी की तरफ से सामने बिल्कुल फुल हाउस और यह है भाई दर्शक साथियों तो अजवाना बिल्कुल कैच लगाने में कामयाब रहा। 11 नंबर जर्सी का खिलाड़ी आपने प्रो कबड्डी में बेंगलुरु बुल्स में एक खिलाड़ी था। आखिरी 3 मिनट शेष और मोहित इस समय रेड पर, बिल्कुल मोहित की निगाहें टाइमर पर है। सुपर टैकल ऑन और भाई 3 खिलाड़ियों का डिफेंस, एक कॉर्नर पर आशीष और दूसरे कॉर्नर पर मोनू राठी गांव लाखन वाजरा, देखते हैं कौन किस पे प्रयास करेगा। यह भाई चेतन उर्फ चेतक एक्सप्रेस, बिल्कुल जहां खिलाड़ी को लूज पाया वहीं पर टच कर दिया। आखिरी 2 मिनट से मोनू इस समय रेड पर, बिल्कुल बोनस दे दिया है मोनू को तो के डिफेंस में। चेतन इस समय रेड पर, दो खिलाड़ी दोनों के दोनों ग्रीन आर्मी के कॉर्नर, चाहे आशीष की बात हो मोनू की बात हो, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और आशीष गांव आदमपुर डाढ़ी और मोनू गांव लाखन माजरा, दोनों के दोनों खिलाड़ियों के पास काफी अनुभव है, चाहे प्रो कबड्डी की बात हो और चाहे ग्रीन आर्मी की बात हो, लेकिन भाई चेतन अपना काम कर चुका है 2+2=4 पॉइंट और एक ग्रीन कार्ड मिला है दौलत रजवाना को ऑफिशियल द्वारा वार्निंग कार्ड की, आप आगे से अपने रेडर को कॉल नहीं कर सकते। भाई ग्राउंड नंबर दो की दोनों टीमें ग्राउंड पर पहुंच जाए। सूचकवास वर्सेस दुधवा, दोनों टीमें ग्राउंड पर पहुंच जाए। सूचकवास वर्सेस दुधवा, जो भी टीमें जीतती है कृपया एक बार ऑफिशियल बेंच पर बता जरूर दें कि वो टीम जीती।